nearly 34 crore pages of rare documents spanning over 250 years of India's recorded history are being digitized under a massive digitization exercise by the National Archives of India. According to those associated with the project, they have a target to digitize 6 lakh pages every day. जो अभी करेंटली प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, वो इनिशिएट किया गया था जनवरी 2024 में, जिसके अंतर्गत हमें 30 करोड़ पेजेस को डिजिटाइज करना है। तो पर डे का जो टारगेट सेट किया गया है वो 6 लाख पेजेस का है। तो 6 लाख पेजेस का हम डेली डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, उसका हमने एक प्रोसीजर सेट किया है, जिसके अंतर्गत हमने एक डैशबोर्ड डेवलप करवाया है। डैशबोर्ड में ही सारे के सारे पेजेस की एंट्री हमारे पार्ट पे, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पार्ट पे हमारा स्टाफ इनको देता है। One of the professionals associated with the project explained the process of preserving the historical documents for posterity. मेरे पास जो स्कैनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट रिसीव होता है, उसको सबसे पहले सर हमारा बैच प्रिपरेशन किया जाता है, जिसमें पेजिनेशन होता है, इसको नंबरिंग दिया जाता है फाइल को, कि नंबर ऑफ पेजेस पूरी बुक्स के अंदर कितने हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद इसमें एक बारकोडिंग प्रोसेस है सर, उसको यूनिक बनाने के लिए एक बारकोड लगाया जाता है। उसके बाद वो हमारी स्कैनर मशीन पर आता है, और स्कैनर मशीन जो हमारे ओवरहेड स्कैनर हैं, उसमें एक एप्लीकेशन इनबिल्ट, इसका स्कैनर का एप्लीकेशन है, उसमें हम इसका एक बैच क्रिएट करते हैं बंडल नंबर के नेम से, विद द हेल्प ऑफ बारकोड आल्सो। अमंग द डॉक्यूमेंट्स बीइंग डिजिटाइज्ड आर दोस रिलेटेड टू द 1857 अपराइजिंग, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अंडर व्हिच द प्रिंसली स्टेट्स जॉइंड द इंडियन यूनियन, एंड लेटर्स रिटन बाय सम ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट फिगर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। The digitization process is expected to be completed by August 15th, 2026.